हेलो दोस्तों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम एमपीटेट 2018 के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो पूछा गया था 1 मार्च 2019 की द्वितीय पाली की परीक्षा में। दोस्तों, इस वीडियो से मेरा यह उद्देश्य है कि जो भी परीक्षार्थी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें परीक्षा का पैटर्न पता चले। इसीलिए दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके पास हर विषय के प्रश्नों के उत्तर पहुँचे ताकि आप टेट में सफल हो सकें। मेरे बहुत से दोस्त मुझसे कहते हैं, आप प्रश्नों के उत्तर एक्सप्लेन क्यों नहीं करती। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि एक प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होते हैं जिसे एक्सप्लेन करने में मुझे 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, समय के अभाव की वजह से कोई इतना लंबा वीडियो नहीं देख पाएगा। इसीलिए दोस्तों, मेरा इन प्रश्न पत्रों को बताने का एकमात्र उद्देश्य है आप तक इन प्रश्नों के पैटर्न को पहुंचाना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। पहला क्वेश्चन है, माश्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम के अनुसार स्वपूर्ति की आवश्यकताएं हैं। पहला ऑप्शन आत्मविश्लेषण, दूसरा क्रियात्मक आवश्यकता, तीसरा विश्वास और प्यार की आवश्यकता, चौथा बड़ी इच्छाएं। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आत्मविश्लेषण। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है। पहला ऑप्शन है अहम आदर्श, दूसरा पराहम, तीसरा पहचान और चौथा अहम। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पहचान। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है। पहला ऑप्शन किशोरावस्था, दूसरा रजोदर्शन, तीसरा मध्य बाल्यावस्था और चौथा यौवन। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, अचानक आहा क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जो कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है। पहला ऑप्शन फ्लैश बल्ब, दूसरा अंतर्दृष्टि, तीसरा अवलोकन और चौथा परिणाम। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जिसे अनुरूपता से मापने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। पहला ऑप्शन मानदंड, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा तर्क और चौथा वैधता। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के लाभ हैं। पहला ऑप्शन केवल नैतिक और नीति शास्त्र सिद्धांत विकसित करना, दूसरा केवल संचार और सामाजिक कौशल बढ़ाना, तीसरा केवल विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा बढ़ाना, चौथा उपयुक्त सभी। दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संतानों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह डैश अभी प्रेरणा है। पहला ऑप्शन यौन, दूसरा ऑप्शन मातृ अभिप्रेरणा, तीसरा ऑप्शन उपलब्धि और चौथा ऑप्शन संबंध। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मातृ अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कौन से चरण में प्रतियोगिता भावना विकसित होती है। पहला ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा ऑप्शन घनिष्ठता बनाम अलगाव, तीसरा ऑप्शन अहम अखंडता बनाम निराशा, चौथा ऑप्शन परिश्रम बनाम हीनता। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, परिश्रम बनाम हीनता। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य नीति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्य में विभाजित करना, दूसरा दृश्य एड्स का उपयोग कर शिक्षार्थी को जानकारी प्रस्तुत करना, तीसरा समूह गतिविधियों में शिक्षार्थी को शामिल करना और चौथा है शिक्षार्थी को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना।
दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्य में विभाजित करना। अगला प्रश्न है, अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंडिंग गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना है? पहला ऑप्शन सामाजिक, दूसरा फैंटम, तीसरा सफलता और चौथा निर्भर। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक। अगला प्रश्न है, छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार विशिष्ट शिक्षण रणनीति डैश है। पहला ऑप्शन लेखन, दूसरा ऑप्शन एसके फोल्डिंग, तीसरा ऑप्शन पाठ और चौथा ऑप्शन विचार मंथन। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, एसके फोल्डिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधि में से एक नहीं है? पहला ऑप्शन प्राकल्पनात्मक, दूसरा शाब्दिक, तीसरा सांख्यिकी, चौथा सैद्धांतिक। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राकल्पनात्मक। अगला प्रश्न, आधुनिक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन सतत मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन उत्पाद उन्मुखीकरण, चौथा ऑप्शन रटकर सीखना। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या विकास व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने और वितरित करने में ध्यान केंद्रित नहीं करता है? पहला ऑप्शन वित्तीय, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिगत, तीसरा ऑप्शन सामाजिक और चौथा ऑप्शन शैक्षणिकता और करियर। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वित्तीय। अगला प्रश्न, किसने बारीकी से प्रच्छन्न दिव्यता के तहत प्राकृतिक विकास की एक व्यापक जटिल धारणा को विस्तृत किया? पहला ऑप्शन बाल्डविन, दूसरा इरिक्शन, तीसरा प्याजे और चौथा वाइगोत्स्की। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल्डविन। अगला प्रश्न है, विचलन आईक्यू वितरण में मानक विचलन का मान है? पहला ऑप्शन एक, दूसरा 15, तीसरा 10 और चौथा 0। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, 15। अगला प्रश्न है, जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं वह डैश करता है कि वह कैसे सोचता है और वह क्या सोचता है? पहला ऑप्शन व्यवस्थित, दूसरा ऑप्शन कमजोर और परेशान, तीसरा ऑप्शन डराना, चौथा ऑप्शन प्रभावित। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, प्रभावित। अगला प्रश्न है, लिंग विभाजन को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच विभाजन, दूसरा ऑप्शन पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर, तीसरा ऑप्शन पुरुष से महिलाओं का अनुपात, चौथा ऑप्शन समाज के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं की पदानुक्रम भूमिकाओं। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, समाज के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं की पदानुक्रम भूमिकाओं। अगला प्रश्न है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण क्या है? पहला ऑप्शन मैक्रो से माइक्रो तक, दूसरा सामान्य से विशिष्ट तक, तीसरा विशिष्ट से सामान्य तक और चौथा आसान से कठिन तक। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सामान्य से विशिष्ट तक। प्रश्न है, ऐसे विद्यार्थी जो डैश होते हैं वो नई अवधारणाओं को सीखना नहीं चाहते हैं। पहला ऑप्शन संदिग्धार्थक, दूसरा ऑप्शन बुद्धिग्राह, तीसरा ऑप्शन बेहतर और चौथा ऑप्शन लोकप्रिय। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संदिग्ध धारक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन कुछ रोग और विकार वंशानुगत होते हैं, दूसरा ऑप्शन समृद्ध वातावरण बच्चे के विकास को बढ़ाता है, तीसरा ऑप्शन उचित उपाय करके सभी आनुवांशिक विकारों को रोका जा सकता है, तीसरा ऑप्शन बच्चे खेल के माध्यम से अधिक परिमित कौशल सीखने में सक्षम होते हैं। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, उचित उपाय करके सभी आनुवांशिक विकारों को रोका जा सकता है। यह प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन संक्रियात्मक विचार, दूसरा ऑप्शन अमूर्त अवधारणा, तीसरा ऑप्शन वस्तु स्थिरता और चौथा ऑप्शन प्रतीकात्मक विचार। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
संक्रियात्मक विचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकी कंडीशनिंग से संबंधित अवधारणा नहीं है। पहला ऑप्शन है तटस्थ उद्दीपक, दूसरा ऑप्शन अनुबंधित अनुक्रिया, तीसरा ऑप्शन निरूपण और चौथा ऑप्शन उद्दीपक सामान्यीकरण। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निरूपण। प्रश्न, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है यह कथन डैश के सिद्धांत को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन निरंतरता, दूसरा ऑप्शन एकरूपता, तीसरा ऑप्शन एकात्मिकता और चौथा ऑप्शन वैयक्तिक भिन्नता। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वैयक्तिक भिन्नता। अगला प्रश्न है, डैश के निर्माण में बच्चे द्वारा एक साथ समान विशेषताओं को मिलाकर बनाया जाता है। पहला ऑप्शन अवधारणा, दूसरा ऑप्शन अक्षर, तीसरा ऑप्शन शब्द और चौथा ऑप्शन अनुमान। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अवधारणा। प्रश्न, शैक्षणिक दृष्टिकोण में किस पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चे वैज्ञानिक तर्क और अभ्यास की अच्छी समझ हासिल करते हैं। पहला ऑप्शन लेखन कला, दूसरा ऑप्शन वैज्ञानिक विचार, तीसरा ऑप्शन संचार और चौथा ऑप्शन विद्यार्थी प्रवृत्ति। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वैज्ञानिक विचार। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षण दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में एक नया डैश है। पहला ऑप्शन मांग, दूसरा ऑप्शन उपागम, तीसरा ऑप्शन निर्देश और चौथा ऑप्शन प्रक्रिया। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उपागम। प्रश्न, अधिगम तत्परता की अपेक्षा। अगला प्रश्न, अधिगम तत्परता की उपेक्षा डैश के तौर पर परिणाम देगी। पहला ऑप्शन विकास, दूसरा ऑप्शन परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन सुधार और चौथा ऑप्शन निराशा। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 निराशा। प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन उसकी डैश भूमिका को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है कक्षा शोधार्थी, दूसरा ऑप्शन है विचारशील वृत्तिक, तीसरा ऑप्शन है सह शिक्षार्थी और चौथा ऑप्शन है प्रशिक्षक। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विचारशील वृत्तिक। अगला प्रश्न, डिस्लेक्सिया शब्द किसे निरूपित करता है। पहला ऑप्शन नोट्स लेने में तकलीफ, दूसरा ऑप्शन सीखने की कठिनाई जो पढ़ने लिखने और बर्तनी में समस्या पैदा कर सकती है, तीसरा ऑप्शन संख्या प्रसंगकरण और गणना के साथ सीखने में कठिनाई, चौथा ऑप्शन विशिष्ट लिखावट दिव्यांगता। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डिस्लेक्सिया, सीखने की कठिनाई जो पढ़ने लिखने और बर्तनी की समस्या को पैदा कर सकती है। तो हमारा अगला टॉपिक है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा गद्यांश से है। गद्यांश है, पुराने जमाने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर के महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियाँ हैं। कुछ चारण तो इसे चौगुना याद कर सकते हैं। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही हैं, किंतु पुराने जमाने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा सरिता सागर पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। दोस्तों अब हम गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कंठस्थ का आशय क्या है। पहला ऑप्शन याद कर लेना, दूसरा ऑप्शन कंठ का प्रयोग न करना, तीसरा ऑप्शन कंठ को साफ करना और चौथा ऑप्शन भूल जाना। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कंठस्थ करना यानी कि याद कर लेना। अगला प्रश्न भी हमारा गद्यांश से है। प्रश्न है, भारतीय साहित्य का भंडार विद्वानों ने किस भाषा के जरिए भरा। पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा ऑप्शन हिंदी, तीसरा ऑप्शन पाली और चौथा ऑप्शन अपभ्रंश। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारतीय साहित्य का भंडार विद्वानों ने संस्कृत भाषा के जरिए भरा।
अगला प्रश्न भी हमारा गद्यांश से है। प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? पहला ऑप्शन एक, दूसरा ऑप्शन दो, तीसरा ऑप्शन पाँच और चौथा ऑप्शन अनेक। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, अनेक भाषाएं बोली जाती है। अगला प्रश्न भी हमारा गद्यांश से है। प्रश्न है, पुराने जमाने में भारत में किस भाषा का प्रयोग होता था? पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा अरबी, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संस्कृत। अगला प्रश्न भी हमारा गद्यांश से है। प्रश्न है, भारत की कौन सी कहानी का भंडार दूर दूर देशों तक पहुंचा? पहला ऑप्शन केवल जातक, दूसरा केवल कथा सरिता सागर, तीसरा केवल पंचतंत्र और चौथा उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, उपरोक्त सभी। प्रश्न भी हमारा गद्यांश से है। प्रश्न है, इलियड और ओडिसी महाकाव्य में कुल मिलाकर कितनी पंक्तियां हैं? पहला ऑप्शन 38,000, दूसरा 18,000, तीसरा 28,000 और चौथा 27,000। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, 28,000 पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न भी हमारा गद्यांश से है। प्रश्न है, पंचतंत्र में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा कर्मधारय समास। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्विगु समास है, क्योंकि दोस्तों पंचतंत्र जो है वो संख्यावाचक है। अगला प्रश्न भी हमारा गद्यांश से है। प्रश्न है, ओडिसी किसके द्वारा रचित एक महाकाव्य है? पहला ऑप्शन इलियट, दूसरा ऑप्शन कालरीज, तीसरा ऑप्शन होमर और चौथा ऑप्शन रिचर्ड्स। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, होमर के द्वारा लिखा हुआ है ओडिसी। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, होमर कौन थे? पहला ऑप्शन कथाकार, दूसरा अध्यापक, तीसरा महाकवि, चौथा अभिनेता। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, होमर महाकवि थे। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, होमर का महाकाव्य है? पहला ऑप्शन इलियम, दूसरा इलियड, तीसरा ओडीपी, चौथा क्रू एंड क्रू। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, इलियड। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, महाकाव्य शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा तत्पुरुष और चौथा कर्मधारय। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, कर्मधारय। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, अनोखा शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? पहला ऑप्शन केवल अनूठा, दूसरा केवल अनुपम, तीसरा केवल निराला और ऑप्शन नंबर चार है उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन विद्वाई, दूसरा ऑप्शन विलासी, तीसरा ऑप्शन विकारी और चौथा ऑप्शन विदुषी। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, भारत के कोने कोने में भारतीय साहित्य का भंडार किसने भरा? पहला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, दूसरा केवल कवियों ने, तीसरा केवल विद्वानों ने, चौथा कवियों और विद्वानों दोनों ने। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, कवियों और विद्वानों दोनों ने। अगला प्रश्न भी हमारा गद्यांश से है। प्रश्न है, भारत की कहानियाँ किसको पार करके दूर देशों तक पहुँची? पहला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, दूसरा हिमालय पर्वत और सागर दोनों, तीसरा केवल हिमालय, चौथा केवल सागरों। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, हिमालय पर्वत और सागरों दोनों को। अगला प्रश्न हमारा पद्यांश से है। पद्यांश है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्षी स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमत्र अंक में अपंग हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो दोस्तों पद्यांश से हमारा पहला प्रश्न है, खड़े बढ़े शब्द में निम्न में से क्या है? पहला ऑप्शन तुकांत, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा विलोम और चौथा पर्यायवाची। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुकांत है। प्रश्न भी हमारा पद्यांश से है। प्रश्न है, अनंत का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन प्रारंभ, दूसरा ऑप्शन अकाल, तीसरा ऑप्शन समी, तीसरा ऑप्शन सीमित और चौथा ऑप्शन अंत।
दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनंत का विलोम अंत होगा। अगला प्रश्न भी हमारा पदधान से है। प्रश्न है, अनंत डैश खड़े पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, दूसरा समासोक्ति, तीसरा वक्रोक्ति, चौथा दीपक। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न भी हमारा पदधान से है। प्रश्न है, स्वबाहु में स्व का अभिप्राय क्या है? पहला ऑप्शन अन्य से, दूसरा सुगंध से, तीसरा स्वयं से, चौथा अतीत से। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्वयं से। प्रश्न भी पदधान से है। प्रश्न है, अंतरिक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन नव, दूसरा गगन, तीसरा मगन, चौथा नवमंडल। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मगन जो है वो अंतरिक्ष का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न भी पदधान से है। प्रश्न है, आकाश में कौन खड़ा है? पहला ऑप्शन ग्रह, दूसरा देवता, तीसरा दानव, चौथा तारे। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, देवता। अगला प्रश्न भी हमारा पदधान से है। प्रश्न है, देव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन देवता, दूसरा सुर, तीसरा दानव, चौथा वशु। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, देव का पर्यायवाची दानव नहीं है। अगला प्रश्न भी हमारा पदधान से है। प्रश्न है, देवता दयालु मनुष्य को कहाँ बैठाए हैं? पहला ऑप्शन पैर, दूसरा हाथ, तीसरा नक्षत्र और चौथा गोद। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोद। अगला प्रश्न भी पदधान से है। प्रश्न है, देवता किसके स्वागत के लिए खड़े हैं? पहला ऑप्शन परोपकारी मनुष्य के, दूसरा पापियों के, तीसरा स्वयं के, चौथा दानव के। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परोपकारी मनुष्य के। अगला प्रश्न भी पदधान से है। प्रश्न है, कवि ने सबको एक होकर चलने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि पहला ऑप्शन मनुष्य अकर्मण्य और धूर्त हैं, दूसरा मनुष्य का जीवन आपसी सहकारिता पर निर्भर है, तीसरा मनुष्य का काम ही गुलामी करना है, चौथा मनुष्य असामाजिक प्राणी है। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मनुष्य का जीवन आपसी सहकारिता पर निर्भर है। अगला प्रश्न भी पदधान से है। प्रश्न है, कवि के अनुसार मनुष्य कौन है जो पहला ऑप्शन एक दूसरे का विरोध करे, दूसरा एक दूसरे से ईर्ष्या रखे, तीसरा एक दूसरे के काम आए और चौथा एक दूसरे के काम कभी ना आए। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक दूसरे के काम आए। अगला प्रश्न भी हमारा पदधान से है। प्रश्न है, कवि के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन केवल परोपकारी, दूसरा केवल दयालु, तीसरा केवल भलाई करने वाला, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न भी हमारा पदधान से है। प्रश्न है, मनुष्य को किसके लिए जीना चाहिए? पहला ऑप्शन अज्ञान के लिए, दूसरा लोभ के लिए, तीसरा स्वार्थ के लिए, चौथा भलाई के लिए। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भलाई के लिए। अगला प्रश्न भी पदधान से है। प्रश्न है, मनुष्य को आपस में कैसे रहना चाहिए? पहला भाईचारे से, दूसरा असमानता से, तीसरा विरोध से, चौथा क्लेश से। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाईचारे से। अगला प्रश्न भी पदधान से है। प्रश्न है, प्रस्तुत पदधांश के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? पहला ऑप्शन परोपकारिता, दूसरा विलासिता, तीसरा निर्धनता, चौथा अज्ञानता। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परोपकारिता। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा जनरल इंग्लिश। हम जनरल इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन इज, व्हेन मेनी पीपल मूव टुगेदर दे आर सेड टू मेक अ डैश मोशन। फर्स्ट ऑप्शन ANI, सेकेंड AUTO, थर्ड लोको एंड फोर्थ कॉम। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल I read the poem carefully, then give their answer. So our poem is, the air breathes frost, a thin wind beats, old dust and papers down grey streets, and blue brown leaves and cleared up edges,
at frightened sparrows on wind's legs. A snowflake falls like an errant feather. A vagabond draws his clock together. And an old tortoise passed with a can, wondering if he will see a spring again. So friends, our first question is, who is a vagabond? First option, someone who wanders from place to place offering people jobs. Second option, someone who wanders from place to place without a home or a job. Third option, someone who wanders from place to place looking for a job. And option number four is someone who wanders from place to place helping others. Our correct answer is option number two, someone who wanders from place to place without a home or a job. Next question, read the poem carefully and answer the question given below. So our question is, what do you think the sparrows are frightened of? First option, the chilly wind. Second option, the vagabond. Third option, the leaves. And the fourth option, the old man. So our correct answer is option number third, the leaves. Next option, read the poem carefully and answer the question given below. So our question is, which part of the year do you think it is? First option, early autumn. Second option, late spring. Third option, late summer. And fourth option, early winter. So our correct answer is option number four, early winter. Next question is same, read the poem carefully and answer the question given below. So our question is, in what manner does the old man walk? First option, with difficulty. Second option, briskly. Third option, angrily. And fourth option, slowly. So our correct answer is option number first, with difficulty. Next question, read the following passage and answer the question given below. So our passage is, Sir Isaac Newton born in 1642 in Lancashire, a small village in England, was a clever child. He built the water clock and an instrument to find out time with the help of shadows. Little Newton was also interested in painting, collecting flowers and plants. In 1665, he graduated from Trinity College. His contributions are the following: differential and integral calculus and binomial theorem. Newton also proposed the three laws of motion, that is, an object moves only when force is applied. Every action has an equal and opposite reaction, and every particle in the universe is attracted by all other particles. Newton devoted his life to science. Principia Mathematica and Optics are the famous book of Newton. He passed away in 1727 at the age of 85. First question in this passage is, which college did Newton graduate from? First option, Harvard. Second option, Oxford. Third option, Stanford. And fourth option, Trinity. So our correct answer is option number four, Trinity. Next question is same, read the following passage and answer the question given below. So our question is, which fine art was Newton interested in? First option, music. Second, painting. Third, drawing. And fourth, dance. So our correct answer is option number two, painting. Next question, read the following passage and answer the question given below. So our question is, how could one find the time of day with the instrument that Newton has invented? First option, by means of sunlight. Second option, by means of moonlight. Third option, by means of pair of arms. And fourth option, by means of shadows. So our correct answer is option number four, by means of shadows. Next question, choose the appropriate pronouns for the given sentence. So our question is, when Dash was a young girl, Dash's mother taught Dash how to read. First option, he, his, him. Second option, they, their, theirs. Third option, she, her, her. And fourth option, it, its, its. So our correct answer is option number third. When she was a young girl,
Her mother taught her how to read. Next question, fill in the blanks with the correct option from those given below. Question is, always insist on speaking to the question is always insisted on speaking to the dash in case of any arguments with the staff. Your first option is managerial, second option managing, third option management, and fourth option manager. So our correct answer is option number third, management. Next question, fill in the blanks with correct option in the given sentence. So our question is, the dash shown by the newly elected leader was extremely forced. First option humbled, second humble, third humbling, and fourth humility. So our correct answer is option number four, humility. Next question, which of the following option best combines the following sentence? Question is, the examination was over, the children were happy. First option, as the children were happy because the examination was over. Second option, happy were the children and the examination was over. Third option, the examination was over and the children were happy. And fourth option, the examination being over had the children happy. So our correct answer is option number third, the examination was over and the children were happy. Next question, choose appropriate articles for the given sentence. Question is, leader had initiated dash fund rising campaigning for downtrodden. First option, no article required. The second option, no article required. The and third option, the and fourth option, the and no article required. So our correct answer is option number third. Next question, choose the appropriate option that rewrite the given sentence in its passive voice. Question is, Rajendra Chola smites the enemy in the battlefield. So first option is, the enemy is smited by Rajendra Chola in the battlefield. Second option, enemy was smited by Rajendra Chola in battlefield. And third option, Rajendra Chola smited the enemy in battlefield. And fourth option, the battlefield was smited by Rajendra Chola. So our correct answer is option number first, the enemy is smited by Rajendra Chola in battlefield. Next question, choose the appropriate synonym for the highlighted word in the given sentence. So question is, the fruit of one's toil helps together to continue with the mission. First option, achievement. Second, hard work. Third, suffering. Fourth, entertainment. So our correct answer is option number two, hard work. Next question, choose the appropriate tenses to fill in the blanks in the given sentence. First question is, my father dash home a few minutes ago and dash. First option, has left, isn't returned. Second option, had left, hasn't returned. Third option, left, hasn't returned. And fourth option, leaves, isn't returned. So our correct answer is option number third. Next question, choose the appropriate antonym for the highlighted word in the given sentence. So our highlighted word is stern. First option, strict. Second option, hard line. Third option, flexible. And fourth option, kind. So our correct answer is option number third, flexible is the antonym of stern. Next question, choose the appropriate conjunction for the given sentence. Question is, I am unwell dash I can't attend college today. First option, because. Second option, hence. Third option, so. And fourth option, since. So our correct answer is option number third, so. Next question, choose the appropriate prepositions for the given sentence. So our question is, he showed a marked distaste dash politics and his tenure. First option, to, with. Second option, towards, on to. Third option, in, around. Fourth option, for, during. So our correct answer is option number four, for, during. Question, choose an appropriate modal for the given sentence. So question is, the lady standing next to me in queue asked dash I use your phone please. First option, may. Second option, will. Third option, will. And fourth option, can. So our correct answer is option number first, may. Next question, choose the option that best explains the highlighted expression. Question is, I have been beating
my brains out trying to think of way of getting the money to her in time. First option, trying to reach a solution. Second option, hitting my head hard. Third option, running from pillar to post. And fourth option, eagerly waiting. So our answer is option number first, trying to reach a solution. Next question, choose the option that best transforms the sentence into its indirect form. So question is, they should put traffic lights here, otherwise there will be more accidents, she said. So our option is, she remarked that by putting traffic lights there would not be more accidents. Second, she said that they should put traffic lights there, otherwise there would be more accidents. Third, she said that they would be putting traffic light here, otherwise there can be more accidents. And fourth, she was saying us to put traffic lights here, otherwise there will be more accidents. So our correct answer is option number second. She said they should put traffic lights there, otherwise there would be more accident. Next question, choose the option that substitutes the given phrase appropriately. So question is, very unhappy, bad tempered and silent. First option, sad. Second, dull. Third, morose. And fourth, gloomy. So our correct answer is option number third, morose. Next question, read the sentence carefully and choose the option that has an error in it. Question is, although he had scaled many of the world's tallest mountains, he was still looking for more taller peaks to climb. First option, although he had scaled. Second option, more taller peak to climb. Third option, many of the world's tallest mountains. And fourth option, he was still looking for. So our correct answer is option number two, more taller peaks to climb. Next question, read the sentence carefully and choose the option that has an error in it. So question is, no other quality is more important to acquire for scientists as to observe carefully. First option, no other quality. Second, for the scientist. Third is more important to acquire. And fourth, as to observe carefully. So our correct answer is option number four, as to absorb. Next question, change the given statement to indirect speech. Question is, I cannot come to the party on Friday, she said. First option, she said, I couldn't come to the party on Friday. Second, she said, she can't come to the party on Friday. Third, she said that she can't come to the party on Friday. And fourth, she said that she couldn't come to the party on Friday. So our correct answer is option number four, she said that she couldn't come to the party on Friday. Question, fill in the blanks with the most appropriate preposition in the given sentence. So our question is, where can we go dash the movie is over. First option, after. Second, before. Third, below. Fourth, under. So our correct answer is option number first. Next question is, fill in the blanks with the correct option in the given sentence. The question is, water consumed dash has been particularly high this summer. First option, second, third and fourth option. So our correct answer is option number four, water consumption has been particularly high this summer. Next question, choose the right tag. Question is, as soon as they saw the boss, they panicked and started running in all direction. First option, isn't it. Second, weren't they. Third, didn't they. And fourth, do they. So our correct answer is option number third, didn't they. Next question, read the following passage and answer the question given below. Question is, when was Sir Isaac Newton born? First option, 1642. Second, 1640. Third, 1650. And fourth, 1648. So our correct answer is option number first, 1642. दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है सोशल साइंस. सोशल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे तो हमारा पहला प्रश्न है, पृथुतापी यानी कि यूरीथर्म
जीवों से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है, इसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है, यह ऊंचाई की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन करने में सक्षम होता है। तीसरा ऑप्शन है, यह पीएच मान की विस्तृत सीमा को सहन करने में सक्षम होता है। और चौथा है, यह परिवेशी तापमानों की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन करने में सक्षम होता है। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह परिवेशी तापमानों की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन करने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए सामान्य था? पहला, तापमान और भोग की चरम सीमा से बचना। दूसरा, वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता। तीसरा, अनुष्ठानों की प्रभावकारिता से इनकार। दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है केवल एक, दूसरा एक एवं दो, तीसरा केवल दो और चौथा ऑप्शन केवल एक, दो एवं तीन। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की सीधी रेखा में होने पर स्थिति को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन क्लिफ, दूसरा ऑप्शन युति, तीसरा ऑप्शन जलदोहन, चौथा ऑप्शन युति व्युति बिंदु। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, युति व्युति बिंदु। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सम्राट जो उपाधि देव नाम पिए दसी नाम से जाने जाते थे, पहला ऑप्शन कनिष्क, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा अकबर। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सम्राट अशोक को देव नाम पिए दसी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कनिष्क का शासन अफगानिस्तान और उत्तर भारत के हिस्से पर विस्तृत था और उसने 2 राजधानियों की स्थापना की थी जिसमें से एक भी पुरुषपुरा, दूसरी कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा मथुरा, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा सकाला। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मथुरा। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख जानकारी प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन मौर्य, दूसरा सातवाहन, तीसरा शक और चौथा गुप्त। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सातवाहन। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में वर्ष डैश में पेश किया गया था? पहला ऑप्शन 1964, दूसरा 1984, तीसरा 1974 और चौथा 1954। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1964। अगला प्रश्न है, व्यापार का एक अनुकूल संतुलन क्या है? पहला ऑप्शन निर्यात आयात के बराबर है, दूसरा ऑप्शन निर्यात आयात से अधिक होने चाहिए, तीसरा ऑप्शन कोटा बढ़ाएं, चौथा ऑप्शन निर्यात की तुलना में आयात अधिक होने चाहिए। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निर्यात आयात से अधिक होने चाहिए। अगला प्रश्न है, डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण या ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, दूसरा प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो योजना, तीसरा ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्र नियामक बोर्ड और चौथा ऑप्शन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न, किस प्रकार का अपवाह पैटर्न गुंबद के प्रकार के क्षेत्र में विकसित होता है? पहला ऑप्शन अरिये, दूसरा समानांतर, तीसरा द्रुमाकृतिक, चौथा जालीनुमा। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अरिये यानी रेडियल। अगला प्रश्न, भारत में किस नदी घाटी में होमिनीट जीवाश्म की खोज की गई है? पहला इनमें से कोई नहीं, दूसरा गंगा, तीसरा सिंधु, चौथा नर्मदा। दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा। अगला प्रश्न, एक ओर राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच और दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के वितरण की समीक्षा कौन करता है? पहला ऑप्शन जिला वित्त आयोग, दूसरा केंद्रीय वित्त आयोग, तीसरा राज्य वित्त आयोग और चौथा जिला परिषद। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न, भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कौन हैं? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संसद और चौथा न्यायपालिका। दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष नहीं थी? पहला ऑप्शन कमला देवी चट्टोपाध्याय, दूसरा अरुणा असफ अली, तीसरा एनी वेसेंट और चौथा सरोजनी नायडू।
दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कमला देवी चट्टोपाध्याय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष नहीं थी। अगला प्रश्न, दी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन जॉन लॉक, दूसरा जैक्स रूसो, तीसरा जीन पियाजे और चौथा इवान इलिच। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, इवान इलिच। दी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक हैं इवान इलिच। अगला प्रश्न, किसने कहा गुट निरपेक्षता लगभग ऐतिहासिक परिस्थितियों का अधिक या कम अवशेष है? हम स्वयं को उपनिवेशवाद वाले पश्चिम के साथ जोड़ नहीं सकते और सोवियत गुट में शामिल होने का कोई सवाल नहीं है। पहला ऑप्शन नेहरू, दूसरा कृष्ण मेनन, तीसरा टीट, चौथा निक्रुमा। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, कृष्ण मेनन। अगला प्रश्न, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों के कुशल और निष्पक्ष संचालन के समग्र प्रभावी कौन है? पहला ऑप्शन मतदान अधिकारी, दूसरा निर्वाचन अधिकारी, तीसरा पीठासीन अधिकारी और चौथा आगंतुक। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, निर्वाचन अधिकारी। अगला प्रश्न, हजार दिनारी के रूप में कौन जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन बलवन, दूसरा रजिया, तीसरा मलिक काफूर, चौथा इल्तुतमिश। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, मलिक काफूर। हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है मलिक काफूर। अगला प्रश्न, दिए गए उदाहरणों की मदद से ऊंचाई और तापमान के बीच संबंध का पता लगाना इस उपागम में होता है। पहला ऑप्शन संकेंद्रित, दूसरा कालानुक्रमिक, तीसरा आगमनात्मक, चौथा निर्गमनात्मक। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, आगमनात्मक। अगला प्रश्न, संसदीय कार्यकारिणी में यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन डैस में हो। पहला ऑप्शन राज्यसभा, दूसरा संसद, तीसरा लोकसभा, चौथा विधानसभा। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, लोकसभा। अगला प्रश्न, प्राप्त करना, प्रतिक्रिया देना, मान्य करना, व्यवस्थित करना और वर्णन करना इस डोमेन के स्तर पर है। पहला ऑप्शन भावात्मक, दूसरा संशोधित टैक्सोनॉमी, तीसरा मन प्रेरक, चौथा संज्ञानात्मक। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भावात्मक। अगला प्रश्न, मुगल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी पहले भारत आया था? पहला ऑप्शन अंग्रेजी, दूसरा डेनिस, तीसरा डच और चौथा पुर्तगाली। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, पुर्तगाली। अगला प्रश्न, डैश सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। पहला ऑप्शन विकेंद्रीकरण, दूसरा केंद्रीकरण, तीसरा संघवाद, चौथा जनतंत्र। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, संघवाद। अगला प्रश्न, डैश एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर की विभिन्न कृषि वस्तुओं के संयोजन, भंडारण, परिवहन, पैकेजिंग और वितरण शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन ग्रामीण विकास, दूसरा ग्रामीण विपणन, तीसरा कृषि विपणन और चौथा कृषि नेटवर्किंग। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, कृषि विपणन। अगला प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना डैश में की गई थी। पहला ऑप्शन 1960, दूसरा 1940, तीसरा 1950 और चौथा 1949। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, 1950। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन प्राचीन भारतीय स्थलों में गर्तावासों के प्रमाण की खोज हुई है? पहला लोथल, दूसरा वुर्जहोम, तीसरा रोपड़, चौथा कालीबंगा। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, वुर्जहोम। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के सम्मुख सबसे प्रमुख चुनौती होती है? पहला ऑप्शन पाठ्यपुस्तक और पुस्तिकाओं की अपर्याप्तता, दूसरा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अपर्याप्तता, तीसरा उचित मूल्यांकन उपकरण और तकनीकों की अभाव, तीसरा दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपर्याप्त समय। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपर्याप्त समय। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परस्पर संवादात्मक परिवेश को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण डैश है? पहला ऑप्शन नित्य परीक्षण, दूसरा ऑप्शन दस्तावेज दर्शाना, तीसरा ऑप्शन व्याख्यान और स्पष्टीकरण, चौथा ऑप्शन सहकारी अधिगम। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, सहकारी अधिगम। अगला प्रश्न, जाँच आधारित अधिगम की पद्धति जो छात्रों को समय और समर्थन प्रदान करती है जिससे वे मूल प्रश्न का आशय समझकर स्वयं के तरीकों के माध्यम से जांच करते हैं को निम्न रूप से जाना जाता है? पहला ऑप्शन संरचित जांच, दूसरा विरूपण जांच, तीसरा निर्देशित जांच, चौथा खुली जांच। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, खुली जांच।
प्रश्न ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन देसाई समिति, दूसरा कृष्णन समिति, तीसरा कारवे समिति और चौथा राव समिति। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कारवे समिति। अगला प्रश्न, वह विधि जो छात्रों के बीच महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में मदद नहीं करती डैश है। पहला ऑप्शन कंठस्थ विधि अधिगम, दूसरा परियोजना आधारित अधिगम, तीसरा सहयोगपूर्ण अधिगम और चौथा स्वविनिमित अधिगम। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कंठस्थ विधि अधिगम। अगला प्रश्न, समस्या निवारण विधि का अवगुण है डैश। पहला, यह प्रकृति में विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी है। दूसरा, यह सकारात्मक परिवर्तन लाता है। तीसरा, यह ज्ञान को आसानी से आत्मसात करने में मदद नहीं करता। चौथा, यह गहन चिंतन के लिए क्षमता विकसित नहीं करता। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह प्रकृति में विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी है। प्रश्न, सरकार वित्तीय वर्ष के मध्य में डैश की मांग प्रस्तुत कर सकती है यदि उसे लगता है कि वार्षिक बजट में अनुमान से अधिक धन की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन पूरक, दूसरा ऑप्शन आवश्यकता आधारित, तीसरा ऑप्शन मध्यावधि, चौथा ऑप्शन अनुरूप। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुपूरक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है। पहला ऑप्शन युगों से मनुष्य के विकास का अध्ययन, दूसरा मानव संबंधों का अध्ययन, तीसरा अध्ययन का यथार्थवादी पाठ्यक्रम, चौथा विभिन्न विषयों का एक अनूठा संयोजन। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अध्ययन का यथार्थवादी पाठ्यक्रम। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे CCE के माध्यम से मापा जाता है। पहला ऑप्शन केवल छात्रों का शारीरिक और मानसिक संबंधी विकास, दूसरा केवल शैक्षिक और सह शैक्षिक उपलब्धि, तीसरा केवल सह पाठ्यक्रम उपलब्धि, चौथा केवल शैक्षिक उपलब्धि के उतार चढ़ाव। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल शैक्षिक और सह शैक्षिक उपलब्धि। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों की सूची निर्धारित की गई है। पहला ऑप्शन 12वीं, दूसरा 9वीं, तीसरा 10वीं और चौथा 11वीं। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 12वीं। अगला प्रश्न, वह कौन सा सबसे उपयुक्त दार्शनिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बीच संपूर्ण मूल्यों को विकसित करने में सक्षम है। पहला ऑप्शन यथार्थवादी दृष्टिकोण, दूसरा आदर्शवादी दृष्टिकोण, तीसरा प्रकृतिवादी दृष्टिकोण और चौथा व्यावहारिक दृष्टिकोण। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आदर्शवादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है। पहला ऑप्शन निचला मेंटल, दूसरा ऊपरी मेंटल, तीसरा भूपर्पटी और चौथा क्रोर। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भूपर्पटी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों की मन प्रेरक क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम है। पहला ऑप्शन कृत्रिम विधि, दूसरा कार्य अनुभव विधि, तीसरा व्याख्यान विधि और चौथा प्रदर्शन विधि। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कार्य अनुभव विधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन मूल्य प्रणाली के रूप में लोकतंत्र का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन लोकतांत्रिक नागरिकता का निर्माण करना और उसे कायम रखना, तीसरा पड़ोसी देशों के अधिकार क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना, चौथा इस पृथ्वी पर लोगों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पड़ोसी देशों के अधिकार क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को भारत में झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन आदिम पदार्थ कृषि, दूसरा व्यापक पदार्थ कृषि, तीसरा व्यापक वाणिज्य अनाज की खेती और चौथा मिश्रित खेती। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आदिम पदार्थ की कृषि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत में शासन कर रहा था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। पहला नंदवंश, दूसरा शुंगवंश, तीसरा गुप्त वंश और चौथा मौर्य वंश। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नंदवंश। नंदवंश के समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, किसे देश में पहले पर्यावरणीय आंदोलनों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। पहला ऑप्शन चिपको आंदोलन, दूसरा किसान आंदोलन, तीसरा लोकसत्ता आंदोलन
और चौथा नर्मदा बचाओ आंदोलन। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्कोरिंग उपकरण नहीं है। पहला ऑप्शन रूब्रिक, दूसरा ऑप्शन अवलोकन, तीसरा ऑप्शन चेकलिस्ट और चौथा ऑप्शन मूल्यांकन पैमाना। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, अवलोकन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम वाणिज्यिक बैंकों में से एक है। पहला ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा ऑप्शन बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तीसरा बैंक ऑफ इंडिया, चौथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन योगात्मक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन इसे एक सातत्य के आधार पर किया जाता है, दूसरा परिणामों का ज्ञान संभव नहीं, तीसरा इसका उपयोग केवल प्रचार के लिए किया जाता है, चौथा यह एक आलोचनात्मक रवैया अपनाता है। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, परिणामों का ज्ञान संभव नहीं है। अगला प्रश्न, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। पहला ऑप्शन 24, दूसरा 4, तीसरा 34 और चौथा 14। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 24। अगला प्रश्न, मनु, नारद और बृहस्पति कौन थे। पहला ऑप्शन प्राचीन भारत के गणितज्ञ, दूसरा जैन विद्वान, तीसरा वैदिक धर्म के देवता, चौथा प्राचीन भारत के शास्त्रकार। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्राचीन भारत के शास्त्रकार थे। अगला प्रश्न, एक देश को मौद्रिक इकाई के विनिमय मूल्य में जानबूझकर की गई कमी को डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन मूल्यह्रास, दूसरा ऑप्शन पुनर्मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन पुनः मूल्यांकन और चौथा ऑप्शन अवमूल्यन। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अवमूल्यन। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को डैश में शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन अप्रैल 2010, दूसरा अप्रैल 2008, तीसरा अप्रैल 2006 और चौथा ऑप्शन अप्रैल 2005। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अप्रैल 2005। अगला प्रश्न, कौन सी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी और समाजवादी प्रणाली की दोनों विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाती है। पहला ऑप्शन नियोजित आर्थिक प्रणाली, दूसरा निर्देशित आर्थिक प्रणाली, तीसरा बाजार आर्थिक प्रणाली और चौथा मिश्रित आर्थिक प्रणाली। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिश्रित आर्थिक प्रणाली। अगला प्रश्न, चिश्ती व्यवस्था के किस पद्धति सूफी संत को चिराग ए देहलवी के नाम से जाना जाता था। पहला अबू अहमद चिश्ती, दूसरा शेख नसीमुद्दीन महमूद, तीसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी और चौथा निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, शेख नसीरुद्दीन महमूद को। अगला प्रश्न, किस शासक ने चोपड़ा और मेरठ से अशोक के स्तंभों को नई दिल्ली में स्थानांतरित किया। पहला ऑप्शन बलबन, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ग्यासुद्दीन तुगलक और चौथा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, कवि बत्सल एक शीर्षक किस सातवाहन राजा द्वारा कल्पित था। पहला ऑप्शन यज्ञश्री सत्कर्णी, दूसरा वशिष्ठ पुत्र पुलुमवि, तीसरा हाला और चौथा गौतमी पुत्र सत्कर्णी। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाला। अगला प्रश्न, बांस और बेंत का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कहां पर स्थित है। पहला ऑप्शन कोलंबो, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा बीजिंग और चौथा ढाका। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बीजिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है। पहला ऑप्शन वेरिंग जल संधि, दूसरा सेमी ऑस्ट्रोक्स्की ट्रीट, तीसरा फ्राम जल संधि, चौथा एम क्यूलर जल संधि। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेरिंग जल संधि जो है अमेरिका और रूस को अलग करती है। अगला प्रश्न, साइलेंट स्प्रिंग 1962 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में लिखा है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन एनी डिलार्ड, दूसरा ऑप्शन वर्जीनिया आर्थर, तीसरा ऑप्शन कैथरीन माइल्स, चौथा ऑप्शन रासेल कार्शन। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रासेल कार्शन की लिखी हुई है बुक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान बनाया है। पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, चौथा नागालैंड।
दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, त्रिपुरा ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन पवन वेग, दूसरा पवन की दिशा, तीसरा आर्द्रता और चौथा वायुदाब। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पवन वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कॉफलैंड द्वीप किसके बीच एक विवादित क्षेत्र है? पहला ऑप्शन वेस्ट इंडीज और स्पेन, दूसरा उरुग्वे और फ्रांस, तीसरा चिली और इक्वाडोर, चौथा अर्जेंटीना और यूके। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, अर्जेंटीना और यूके। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।